जबरदस्त बात की है इन्होंने कि चाइना पर नहीं, चाइना नहीं है। इंडिया इतना खूबसूरत कब से हुआ, वहाँ ताजमहल प्यारा है। और इंडिया आप मानती हैं इंडिया? इंडिया नहीं हो सकता, तो मतलब अगर इंडिया नहीं हो सकता तो फिर क्या वजह है इंडिया ना होने की? वजह क्या वहाँ गुर्बत है इस वजह से आपके ज़हन में? इंडिया इतना खूबसूरत नहीं है, इंडिया में सिर्फ ताजमहल ही है। खूबसूरत नहीं है, सही है वो भी, ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल ऐसा। और अगर तो सर ये वीडियो है और वीडियो प्ले होने लगी है, ये देखिएगा और बताइएगा, गेस करके बताए कौन सी कंट्री हो सकती है? मुझे तो सिंगापुर लग रहा है। सिंगापुर? पाकिस्तान? पाकिस्तान। न्यूयॉर्क? सीरियसली? बस फिर पाकिस्तान चढ़ गया, चांद पे चलेंगे ना, उनको इकोनॉमी जरा हाई हो गई है तो इस वजह से। ये आई थिंक दुबई है। दुबई लग रहा है आपको? क्या लगता है दुबई है? क्या वजह? वो जो स्टार्टिंग में बिल्डिंग्स की वजह से मुझे लगा कि लाइटिंग देवे। और अगर मैं ये कहूँ कि ये दुबई नहीं है तो फिर कौन सी कंट्री हो सकती है? ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया मे बी जापान? जापान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या करती हैं आप? मैं जॉब कर रही हूँ। जबरदस्त। मैं स्टूडेंट स्टडी कर रही हूँ। जबरदस्त। मैं भी स्टूडेंट हूँ। जबरदस्त जी, मेरे साथ जो हैं वो स्टूडेंट भी हैं और एक जॉब करती हैं। जबरदस्त जी, मैं आज आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और वीडियो देखकर आपने ये गेस करना होगा कि ये कौन सी कंट्री है और उस कंट्री का ये सिटी कौन सा हो सकता है, ठीक है? ये वीडियो है और ये देखिएगा, ये गेस करना होगा कि ये कौन सी कंट्री है, ठीक है? ये आई थिंक दुबई है। दुबई लग रहा है। आपको क्या लगता है दुबई है? क्या वजह? वो जो स्टार्टिंग में बिल्डिंग्स की वजह से मुझे लगा कि लाइटिंग देवे। और अगर मैं ये कहूँ कि ये दुबई नहीं है तो फिर कौन सी कंट्री हो सकती है? ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया मे बी जापान? जापान। मैं जो भी आप तीनों ने बताया वो तीनों ही गलत हैं, इन तीनों में से कोई भी नहीं है। ये मिडिल ईस्ट में है और मिडिल ईस्ट में आप कंसीडर करें कि कौन सी कंट्री हो सकती है? यूई जैसे कि इन्होंने पहले भी दुबई। आई डोंट नो। और मैं ये मज़ीद आपको हिंट दे देता हूँ कि ये नियर अबाउट हमारे इसका बॉर्डर भी लगता है। बॉर्डर भी लगता है जी? कौन सा हो सकता है? मतलब नियर अबाउट आप देखें कि हमारे ईरान है, अफगानिस्तान है, तुर्की को हमारा बॉर्डर नहीं लगता, ईरान, और अभी मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि अफगानिस्तान है, चाइना है, इंडिया है। चाइना तो चाइना ही है फिर। चाइना जी, बड़ी जबरदस्त बात की है इन्होंने कि चाइना पर नहीं, चाइना नहीं है। इंडिया इतना खूबसूरत कब से हुआ, वहाँ ताजमहल प्यारा है। और इंडिया आप मानती हैं इंडिया? इंडिया नहीं हो सकता, तो मतलब अगर इंडिया नहीं हो सकता तो फिर क्या वजह है इंडिया ना होने की? वजह क्या वहाँ गुर्बत है इस वजह से आपके ज़हन में? इंडिया इतना खूबसूरत नहीं है, इंडिया में सिर्फ ताजमहल ही है। खूबसूरत नहीं है, सही है वो भी, ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। और अगर मैं ये कहूँ ये बिल्कुल इंडिया ही है फिर क्या कहेंगी? नहीं हो सकता। और ये इंडिया ही है और इंडिया का सिटी कौन सा है, गेस करें कि इंडिया इतना डेवलप कर सकता है, इंडिया में इतनी मतलब डेवलपमेंट हो सकती है? मुंबई या दिल्ली? दिल्ली या मुंबई? मुझे तो अभी तक नहीं लग रहा। मुझे भी मुंबई लग रहा है। अभी तक शॉक्ड में हैं आप? ऑल्सो स्ट्रेंज, कितना प्यारा, इतना प्यारा भी दिया। ये बिल्कुल, ये इंडिया का सिटी मुंबई ही है। बात करेंगे, देखें इंडिया जिस तरह से डेवलप हो रहा है, अगर हम उसकी खूबसूरती की बात करें तो क्या कहेंगी हमारे किस सिटी के साथ कंपेरिजन कोई बनता है? अगर हम अपने लाहौर सिटी की ही बात करें तो क्या लगता है उसके मुकाबले में है, जिस तरह की बिल्डिंग्स देखी गई हैं? देखें लाहौर लाहौर है, लाहौर तो लाहौर है, लाहौर तो आपने विजिट किया, मुंबई तो आपने विजिट नहीं किया लेकिन आपने वीडियो में जरूर देखा। सारी कंट्री सिटीज विजिट करके भी लाहौर लाहौर है कहूंगी। आप लाहौर का एक मुहावरा बड़ा मशहूर है, उसके लाहौर नहीं देखा, वो जमया ही नहीं। ऐसे ही आप इंडिया वालों को भी ये कह रही हैं? बिल्कुल, मैं सबको ये कहना चाहूंगी जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमा ही नहीं है, वो पैदा ही नहीं हुआ। एग्जैक्टली, वो पैदा ही नहीं हुआ। लाहौर लाहौर है, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या मैसेज देना चाहेंगी लास्ट पे देखने वाली ऑडियंस को? बी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव सोचें सबके लिए, और मतलब जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना आपकी लाइफ के लिए अच्छा होगा, और बी पॉजिटिव। अगर कभी इंडिया जाने का, ऑल्सो एवरीवन बी लॉयल,
ऑल्सो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी फीमेल मेल सबके लिए कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं, किसी भी रिलेशनशिप में है, पेरेंट्स रिलेशनशिप में है, फ्रेंड्स रिलेशनशिप में है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, सबसे पहले ट्रस्ट, ट्रस्ट इज अ की टू लव। और इसके अलावा बात की है आप एग्जैक्टली, और लास्ट में सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कभी फर्ज करे कभी मौका मिलता है आपको इंडिया विजिट करने का, करेंगी आप? कर लूंगी। किस सिटी में विजिट करेंगी, हिस्टोरिकल प्लेसेस देखेंगी या फिर? मैं ताजमहल देखना पसंद। वजह क्या है, हर लड़की का ख्वाब है ताजमहल, सुना है तो मुझे मतलब है कि मैं देखूं। जैसे हमारे यहाँ पे आम प्यार से बनाया था, देखना तो बनता है ना। तो सर ये वीडियो है और वीडियो प्ले होने लगी है, ये देखिएगा और बताइएगा, गेस करके बताएं कौन सी कंट्री हो सकती है। मुझे तो सिंगापुर लग रहा है। सिंगापुर, पाकिस्तान। पाकिस्तान, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, अच्छा आपने कहा पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान का कोई स्ट्रक्चर ऐसा है? हाँ, क्यों नहीं। कहाँ पे देखा आपने इस तरह की? कराची है, इस्लामाबाद है। और इस तरह का जो व्यू है, उस व्यू में कहीं नजर आता है आपको जरा थोड़ा बहुत? क्योंकि हम, मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ, ये भाई भी पाकिस्तान में रहते हैं शायद। जी जी, पाकिस्तान। पाकिस्तानी हो सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल, नहीं है तो ये पाकिस्तान में हम कर देंगे। नहीं सर, पाकिस्तान नहीं है। चले मैं आपकी आसानी के लिए कह देता हूँ, पाकिस्तान नहीं। अच्छा, गेस करें मुझे। और जो आपने बताया सिंगापुर, वो भी नहीं है, और न्यूयॉर्क भी नहीं है, बताएं। मलेशिया होगा आपको? मुझे भी लग रहा है मलेशिया। जबरदस्त जी, पर नहीं। ओहो, क्या कहेंगे जी, ये फिर आपको कमेंट वाले बताएंगे कौन सी कंट्री। वो कमेंट सेक्शन में तो हमें हमारी ऑडियंस बताएगी ये कौन सी कंट्री है और उस कंट्री का ये सिटी कौन सा है। लेकिन अभी ऑडियंस जानना चाह रही है, जो हमारे सामने भाई मौजूद हैं, वो बताएं ये कौन सी कंट्री हो सकती है। सोच रहे हैं, डॉलर्स भी नजर आ रहे हैं। मैं तो खैर सोच भी नहीं रहा इतना। अच्छा, मैं आपकी मजीद आसानी इसमें बता देता हूँ कि ये मिडिल ईस्ट में है, और मिडिल ईस्ट में हमारे नियर अबाउट है इंडिया। इंडिया नहीं, आई हैव नो आईडिया। दुबई। दुबई, सर आपने कहा इंडिया, कैसे पॉसिबल है कि इंडिया इतना डेवलप्ड है? इंडिया में कुछ एरियाज ऐसे हैं जो अब देखने को, मतलब कैसे एरियाज, कुछ डिफाइन कर सकते हैं? उनके कुछ जो है ना, कुछ सिटीज हैं, साहिल्स जो बनाए उन्होंने। ठीक है, ये बिल्कुल इंडिया का, इंडिया ही है। और इंडिया का सिटी कौन सा हो सकता है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, गेस करें सर, मतलब थोड़ा बहुत जोर दें जरा। वीडियो दिखाएं फिर। हाँ यार, हम इंडिया गए तो नहीं है, तो कैसे बताएं? नहीं, इंडिया हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल इंडिया ही है। इंडिया का सिटी कौन सा? अब आप ऑप्शन दें, हम इंशाल्लाह गेस कर लेंगे। तीन ऑप्शन दें। तीन बंदे हैं, तीन। दिल्ली नहीं है। एक तो ये गोवा है ना, इनका जो आ रहा है गोवा बीच जो है जी। लेकिन ये है मुंबई सिटी। वीडियो से आपने ये गेस करना होगा ये कौन सा मुल्क है और उस मुल्क का ये सिटी कौन सा हो सकता है। ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਓਏ ਮੂਵੀ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ। ਮੂਵੀ ਦਾ ਸੀਨ ਤੇ ਯਾਰ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ। ਡਾਲਰ ਹੈ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਹੈ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਸकी ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ, ਡਾਲਰ, ਡਾਲਰ ਹੀ ਡਾਲਰ ਪੈਸੇ। ਡਾਲਰ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਬੋਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰ ਇਹ ਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੋਗਾ ਫਿਰ, ਡਾਲਰ ਹੋਰੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬਸ। ਗੈਸ ਕਰੇ ਸਰ, ਕੈਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਿਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਕੋ ਹਮਨੇ ਸਿਟੀ ਬਤਾਨੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਬਤਾਨਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਆਪਨੇ ਮੁਲਕ ਬਤਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਟੀ ਬਤਾਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਔਨ ਕਰਨਾ। ਦੁਬਈ, ਇੰਗਲੈਂਡ। ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੂਵੀ ਮੇਂ ਦੇਖ। ਵੀਅਤਨਾਮ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਤਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, ਇਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਮੇਂ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਮੇਂ? ਯਾਰ ਵੋ ਕਿਧਰ ਹੈ? ਗੈਸ ਕਰ, ਏਸ਼ੀਆ ਮੇਂ ਬਤਾ ਦੇ। एशिया में? एशिया में है क्या? मिडिल ईस्ट में? मिडिल ईस्ट और एशिया एक ही है, एक आगे है। पीछे पास। हाँ जी यार, मेरी गली के बाहर एक मिडिल ईस्ट पान शॉप है। दुबई है? दुबई है जी। ज़बरदस्त बात की है जी इन्होंने कि ये दुबई है। आपको लगता है दुबई है? यार भाई कह रहे हैं दुबई नहीं है। दुबई नहीं है, सिंगापुर। भाई सिंगापुर तो भाई ने कह दिया तो गलत भी सही है। इकोनॉमी वाइज इंडिया बहुत हमसे आगे है। इसके पीछे वजह क्या लगती है? मतलब वो लोग ग्रो कर गए और हमारे यहाँ अभी आज भी हम वही रोना रो रहे हैं कि बेसिक नीड पूरी नहीं है हमारी। सर इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं।
अगर आप आज से 20-25 साल पहले देखें ना, तो लोग वो वाले जो लोग हैं ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है, हम लेज़ी बहुत हैं। इंडिया, आपको लगता है इंडिया इतना डेवलप्ड है, वहाँ इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मौजूद है, या इतना तो नहीं है, उनके पास हमसे ज़्यादा गुर्बत है, उनके पास उनके गरीब ज़्यादा बैठे होते हैं रोडों पे। यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने कहा वहाँ गरीब लोग हैं, और तो इंडिया नहीं है, तो फिर कौन सा मुल्क हो सकता है? ईरान, ईरान हो सकता है। ईरान इतना डेवलप्ड है? ईरान डेवलप्ड है यार, ईरान फिर भी भाई ये इतना नहीं है, इंडिया ही है, ये कह रहे इंडिया है। ऐ ते पागल है, ऐ दी गल्ला घर वाले नहीं सुनते, तुसी सुन रहे हो। अच्छा अच्छा, आप लोगों ने कहा इंडिया नहीं है, मैं सिर्फ जानना ये चाहूंगा इंडिया के ना होने की वजह क्या, गुर्बत क्या इतनी ज्यादा वहाँ पे देखने को मिल रही है? यार उधर चिट्टे चिट्टे लड़के थे, ये काले काले इंडिया रहते हैं, मैं नहीं मान सकता इंडिया। ये बात सही कह रहे हैं भाई, ये सर आपका नेबर कंट्री इंडिया ही है? नहीं सीरियसली, चांद पे चले गए ना, उनको इकोनॉमी जरा हाई हो गई है, तो इस वजह से चांद पे जाने की वजह से उनकी इकोनॉमी हाई हुई है। नहीं, उनके अंबानी है, हमारे पास कोई है ही नहीं, हमारे पास मलिक रियाज भी तो है। मलिक रियाज वो क्या करता है यार, वो कुछ चोरी करके करप्शन कर रहा था हर चीज में। क्या कहेंगे जी आज जो मैंने आपको अभी कंट्री दिखाई? अच्छा ये बताएं ये सिटी कौन सा होगा? यार सिटी ये मुंबई होगी उनकी, या दिल्ली होगी? मुंबई या दिल्ली, आपको लगता है मुंबई है? इतना मुंबई होगा क्योंकि उनका मेन इलाका बिल्कुल सर ये मुंबई ही है। लेकिन जो मेरे एक अंकल हैं कनाडा में होते, उनसे मैंने काफ़ी इस चीज़ पे डिस्कशन सुनी है, तो वो कहते हैं कि जी वो जो है ना उनको लगे ना कि चार रातें या चार दिन जागना है, इस काम को कंप्लीट करना है, तो वो कंप्लीट करके ही सोएंगे, कंप्लीट करके ही आराम करते हैं। आप क्या कहेंगे सर? देखें ये उन्होंने अपने जो लॉन्ग टर्म थे ना आइडियाज़ वो ले कर चले हैं, हमारे तो अपने मसाइल मुल्क के नहीं ख़त्म हो रहे। बिल्कुल ऐसे है। सबसे पहले तो हमें जो है ना अपनी एजुकेशन का मैार वो बेहतर बनाना होगा, ठीक है, उसकी वजह ये है कि एजुकेशन है लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम जो किताबों में पढ़ते हैं और जो रियल लाइफ में है वो बहुत डिफरेंट दो चीज़ें हैं। यार इंडिया का एक तो मेन वजह पता है क्या है कि वो जो लगता है कि डेवलप हमसे ज़्यादा हो रहा है, हमारे अंदर के डिस्प्यूट्स जो है ना, हमारे आपस में जो इख्तलाफात हैं वो ही ख़त्म नहीं हो रहे।